بسم الله الرحمن الرحيم। बच्चों आज हम लोग क्लास सिक्स का यानी दर्जा सिक्स का हम लोग साइंस पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक है रेशा से कपड़े तक, यानी कि रेशा से कपड़े तक। तो बच्चों रेशे के बारे में अगर हम बात करें तो रेशा होता क्या है, तो पहले हम समझेंगे रेशा के बारे में और कपड़ों तक यानी कि कपड़ा कैसे बनता है। तो देखिए रेशा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो कपड़े होते हैं, मान लीजिए कि जो कपड़े होते हैं, जैसे कहने का मतलब है जो कपड़े होते हैं वो बनते कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको बनने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे रेशे से मतलब, जैसे कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हुआ तो उसका एक रेशा होगा। जैसे मान लेते हैं कि जब देखिएगा कि रेशा से लेके कपड़े तक हम जा रहे हैं, तो रेशा जो होता है वो कहाँ से पाया जाता है, जैसे तो रेशा जो होगा वो तो या तो पौधे से पाया जाएगा यानी दरख्त से पाया जाएगा या तो जानवर से पाया जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पौधे होते हैं यानी जो दरख्त होते हैं या जो जानवर होते हैं तो उनसे रेशा निकाला जाता है। रेशा निकाल के अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े में भी देखिएगा बच्चों अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सूती है, रेशमी है, जूट है, ऊनी है। तो ये जो यहाँ पे जो से टॉपिक दिया हुआ है यानी यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, रुई भी यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये रेशे की शक्ल है। जैसे एक रेशा मिलके दो से मतलब बहुत सारे रेशे मिलके क्या करते हैं, कपड़े का मतलब कपड़ा बनता है। जैसे कपड़ा बनाया जाता है, बहुत सारा रेशा मिला के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है ना, कपड़ा बनाया जाता है। तो जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कपड़ा है, सब मान लीजिए, तो उस जैसे ये कपड़ा है, चाहे ये हम मिसाल के तौर पे अगर हम इसको देख ले रहे हैं, एक रुमाल है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग तरह से देखिए ये सब बच्चों ये सब जो है अलग अलग तरीके से क्या है, रेशा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, रेशा है। तो ये जो रेशा होता है वो किससे बनता है, तो या तो वो जानवर से आएगा या तो वो किससे आएगा, पौधे से आएगा यानी कि दरख्त से आएगा। अब क्या है कि जब कहने का मतलब है जब पौधे की बात करें तो पौधे में यानी दरख्त में अलग अलग तरीके के दरख्त हैं। जैसे मान लीजिए कि कपास है, ठीक है, उसके बाद रेशम है, या ना, ये सारा मतलब अलग अलग तरह से यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जानवर की बात करें तो जानवर में जैसे ऊन है, ऊंट है, ऊन जो हम निकालते हैं कहाँ से निकालते हैं, भेड़ से निकालते हैं, बकरी से निकालते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे केले के पत्ते, जैसे हमने पौधे की बात कही तो केले के जो पत्ते हैं, जैसे तने हैं, बांस है, इस सब से हम क्या करते हैं, रेशा निकालते हैं। रेशा निकालने से कहने का मतलब है रेशा निकाल के हम लोग उसको बनाते हैं, पतले पतले ये करके उसका इस्तेमाल करके कपड़े बनाते हैं। देखिए कपड़े का जो आज इस्तेमाल हो रहा है यानी कि आज हजारों वर्ष जैसे जो भी फाइबर का यानी रेशे का जो इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है और अलग अलग वजह से हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि सूती है, तो सूती का जो पहनते हैं वो कब पहनते हैं, गर्मी में, जब देखिएगा गर्मी का जब मौसम होता है तो उस दरमियान हम सूती का कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सूती का जो कपड़ा होता है काफ़ी हल्का होता है और हमारे जिस्म के लिए काफ़ी आरामदायक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो पसीना निकलता है हमारे जिस्म से, वो पसीने जो है उसको मतलब वो सोख लेता है और पसीने के बाद पसीना मतलब जिस्म में कहने का मतलब है कि बहुत आने नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया सूती। अब रेशमी बात करें तो रेशमी का मतलब ये हो जाएगा कि रेशम से, तो रेशमी जैसे मान लेते हैं कि रेशमी वाला जो कपड़ा होता है वो बनता है, जैसे रेशमी रुमाल है, कालीन है, ये सब का इस्तेमाल जो है हम लोग इससे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जूट, तो जूट का भी जैसे मान लेते हैं कि हम पैर पोछने वाला कुछ, उसके बाद आपको क्या बोल सकते हैं, ये चादर वादर बनाने के लिए या फिर आपको तकिया का ग्लाव बनाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग जूट से कर सकते हैं। ऊनी, तो ऊनी जैसे स्वेटर बुनने के लिए,
जो हम लोग स्वेटर बुनते हैं, जो हम लोग गर्मी में नहीं सर्दी में हम लोग पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जिस्म में जो गर्मी होती है उसको वो बाहर निकलने नहीं देता है, और जब बाहर नहीं निकलने देता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो गर्मी है हमारे अंदर है और हमारे जिस्म को काफी महफूज करता है, जिसके वजह से हमको अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों ये जो बातें हो रही हैं ये क्या है, रेशे के बारे में बात हो रही है। अब हम कपड़े के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो अगले क्लास में बताएंगे कि कपड़े का अलग अलग तरीका कैसे है, उसको कैसे से कैसे क्या क्या तरीका हो सकता है उसको बनाने के लिए। तो बच्चों रेशे के बारे में अगर हम बात करें तो रेशा तो आप लोगों ने आप समझ गए। एक और चीज रह गया रुई। तो रुई क्या है, रुई भी एक कॉटन ही का फाइबर पार्ट है, यानी कि उसका ही एक पार्ट कह सकते हैं, यानी उसी का एक अदद बोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए रुई जो है, रुई का भी इस्तेमाल हम लोग तकिया में करते हैं, रुई का इस्तेमाल हम लोग जैसे किसी का जिस्म जल जाए वहाँ इस्तेमाल करते हैं, रुई का इस्तेमाल हम लोग गद्दा बनाने के लिए करते हैं, रुई का इस्तेमाल हम लोग लिहाफ बनाने के लिए करते हैं, रजाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रुई का जो है अलग अलग मुख्तलिफ तरीका है वो इस्तेमाल करने का। तो वो भी बच्चों जो आता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, दरख्त से ही आता है, और दरख्त दरख्त से आएगा या तो फिर किससे आएगा, आपको जानवर से आएगा। तो बच्चों हमने ये मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश की है, और इससे जो अलग का जो टॉपिक है जैसे कपड़ा, तो कपड़े कैसे बनते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों को हम अगले क्लास में आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, दुश्वारी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों।